है सामाजिक समरसता का संदेश। हमारे देश में हमारी भारतीय संस्कृति के अनुसार तीज त्योहार पर्व हमें सामाजिक सद्भाव का संदेश देते हैं। ऐसे में हम हर्षोल्लास के साथ अपने त्योहार मनाते हैं। ऐसा ही एक अवसर है आज मकर संक्रांति की पूर्व संध्या पर और लोहड़ी पर्व के अवसर पर हम पहुंचे हैं महिला सशक्तिकरण का जीवंत उदाहरण दक्षिणी दिल्ली नगर निगम की मेयर श्रीमती कमलजीत सहरावत के साथ। कमलजीत जी, क्या कहना है आपको इस पावन पर्व के अवसर पर? नमस्कार। नए साल की शुरुआत के साथ ही संक्रांति का आना, लोहड़ी का आना अपने आप में शुभ संकेत होता है। घरों में खुशियों का हर्षोल्लास का एक वातावरण बनता है और परिवार साथ में मिलकर इन सब त्योहारों को मनाते हैं। तो मैं सभी दिल्ली वासियों को बधाई देना चाहती हूँ, शुभकामनाएं देना चाहती हूँ कि ये पर्व उनके जीवन में सुख शांति लेकर आए और आने वाले साल में उनकी सभी उम्मीदें पूरी हों। साथ ही दिल्ली साफ बने, सुंदर बने, हम सब मिलकर दिल्ली को एक बेहतर शहर बनाए, इसकी भी मेरी उनसे प्रार्थना है। कमलजीत जी, महिला होने के नाते लगातार आप राजनीति में सक्रिय भी रहे हैं, किस तरह से अपने पारिवारिक जीवन और राजनीतिक जीवन और समाज सेवा में संतुलन बिठा पाते हैं? परिवार बहुत बड़ा हो जाता है। परिवार का मतलब सिर्फ घर के अंदर रहने वाले चार या छह लोग नहीं होते हैं, सब लोग ही परिवार हो जाते हैं। तो इसलिए जब परिवार बड़ा होता है तो त्योहार भी ज्यादा होते हैं, खुशियाँ भी ज्यादा होती हैं। और संतुलन तो आज के जो तारीख में संतुलन यही है कि जितने लोग मिलते हैं उतनी खुशी होती है। तो मुझे लगता है कि लोगों से मिलना और त्योहारों पर ये खासकर मिलना ज्यादा होता है तो वो अपने आप में एक अलग से खुशी देता है जी। और कमलजीत सहरावत जी, जिनका मानना है कि पूरा दिल्ली प्रदेश और परिवार अपना है और इसलिए जिम्मेदारियों का निर्वहन करने के साथ साथ ये बेहतर तरीके से इस जिस अंदाज से अपना जीवन यापन कर रही है, एक मैसेज है उन लाखों महिलाओं के लिए, महिला सशक्तिकरण का उदाहरण। समाचार कैरी के लिए कैमरामैन सुनील कुमार के साथ संजय शर्मा की रिपोर्ट।